प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। आज हम लोग जो हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो क्रांति क्या है उसको समझना पड़ेगा आपको। तो वो पूरा वीडियो देख के आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और रजनीशपुरम को लेके जो अभी ग्रुप बनाया था, कल ही बनाया था, जो कि 3 तारीख को बनाया था, आज 4 तारीख को उसके परिणामों की बात करेंगे और एक नया बात करेंगे। तो अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि कल हमने एक ग्रुप बनाया था रजनीशपुरम को लेके व्हाट्सएप का, ये फर्स्ट टाइम किया था हमने। तो जब वो ग्रुप बनाया था तो सबसे अच्छी बात तो ये रही कि उसमें लगभग 900 लोग जो थे वो 3 घंटे के अंदर जुड़ गए थे। बहुत से लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई थी, कुछ की स्वीकार हुई, कुछ की नहीं हो पाई, लगभग 900 लोग उसमें आ गए थे। लेकिन जो पुराना मेरा अनुभव था, उस अनुभव के आधार पे जो था वो बात वही थी कि जो मुझे पसंद नहीं आती है कि बहुत तरीके की बकवास होती है, इतने जरूरत से ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि एक व्यक्ति उसको पढ़ भी नहीं पाता, और बहुत से मैसेज कीमती छूट जाते हैं, अननेसेसरी मैसेज सामने आते हैं, तो बहुत से लोग उसमें से एक्सिट करते हैं, बहुत से लोग उसमें गलत तरीके का बिहेव करते हैं। उसका एक सलूशन है, तो 4 ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं। 4 ग्रुप होंगे, चारों के मैं आपको नाम बताता हूं और चारों के ग्रुप के पीछे क्या कारण है, यहां तक कि उसके नाम के पीछे कारण क्या है और उसमें शामिल होने वाले लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले जो ग्रुप का नाम है, वो ग्रुप का नाम है रजनीशपुरम बकवक ग्रुप। नाम सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप उसके अंदर की बात भी जानेंगे। दूसरे नंबर का जो ग्रुप होगा वो रजनीशपुरम बौद्धिक चिंतन ग्रुप के नाम से होगा। तीसरा जो ग्रुप होगा वो रजनीशपुरम सखा लवर्स के नाम से होगा, और चौथा ग्रुप जो होगा वो ग्रुप होगा सखाज वॉलेंटियर। तो ये 4 ग्रुप्स होंगे। अब ये 4 ग्रुप में क्या होगा और किस तरीके की चीजें होंगी वो क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि विभिन्न प्रकार की बकवास में रस लेने के आदि, और उनको ये पता ही नहीं कि वो बकवास में रस लेते हैं। तो जब इस चिंतन का नाम रखा जा रहा था कि रजनीशपुरम बकवक जो है वो ग्रुप, तो हमसे किसी ने कहा स्वामी जी इसका नाम को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कर दें ताकि किसी को बुरा ना लगे। नहीं नहीं, इसका नाम हमने रखा ही इसीलिए कि बुरा लगे। क्या कारण है वो मैं आपको उसका साइकोलॉजिकल रीजन बता देता हूं। बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि बहुत से लोग तंबाकू खाते थे, तो तंबाकू छुड़ाने के लिए एक वीडियो डाला था और बहुत लोगों ने उससे तंबाकू छूटी। तो तंबाकू एक ऐसी लत है जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन फिर भी जो खाते हैं उनके लिए उससे अच्छी कोई चीज नहीं, तो उनको कैसे छुड़वाया जाए। तो जब मुझसे ये पूछा तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति से कि मैंने कहा आप कितनी पुड़ियां खाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं लगभग दिन भर में 10 पुड़ियां खाता हूं। तो मैंने कहा कि जो ये 10 पुड़ियां आप खाते हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि 10 अपनी जेब में काजू रख लें। वो बोले स्वामी जी हम समझ गए, यही तो हमारे पापा भी कहते हैं कि पुड़िया खाने की बजाय तुम काजू खाया करो। हमने कहा नहीं बेटा, हम बिल्कुल काजू खाने को नहीं कह रहे, हम तो पुड़िया ही खाने को कह रहे। हम बस बात इतनी कह रहे हैं कि जिस समय आप उस पुड़िया को खाओ उसी वक्त आप अपनी जेब से काजू निकालो और अपने पड़ोस में खड़े किसी मित्र को, किसी ऑफिस में सहयोगी को, कोई घर में आप हो या सड़क पे चल रहे हैं कोई व्यक्ति हो, या हम कह रहे हैं अगर आप पार्क में भी बैठ के खा रहे हैं छुपके, तो वहां कोई पेड़ होगा, कोई पंछी होगा, तो आप वहां पे जिस समय पुड़िया खाएं उसी वक्त अपनी जेब से काजू निकालें और सामने वाले व्यक्ति को कहें कि मित्र मैं जहर खा रहा हूं, आप काजू खाइए। और ऐसा दिन में 10 बार करें और 10 दिन तक करें। और इसको लोगों ने किया और जिन्होंने किया उनकी पुड़िया सहजता से छूट गई। चमत्कारिक रूप से छूटने के बाद लोगों ने मुझसे पूछा ये हुआ कैसे, आपने तो पुड़िया छोड़ने को कहा ही नहीं। तो मैंने कहा पुड़िया मैंने नहीं छोड़ने को कहा, आपके मस्तिष्क की इंफॉर्मेशन ने आपको पुड़िया छोड़ने को मजबूर किया। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि कोई भी व्यक्ति आप उससे कहें जहर खा लीजिए वो नहीं खाता। और आप लोग भी पुड़िया कहां खाते थे, आप जहर तो खा ही नहीं रहे थे, आपकी नजर में तो आप हर श्रृंगार खा रहे थे, सदाबहार खा रहे थे,
आप जो है वो देवभूमि खा रहे थे, आप ना जाने किसने नाम को आप खा रहे, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप गड़बड़ कहां कर रहे। उसी प्रकार ये बकवक शिविर जो है ग्रुप नाम इसलिए रखा गया है कि कम से कम इसमें ज्वाइन करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन ये दिखे कि वो बकवक में जुड़ा हुआ। और मेरा अनुभव कहता है कि इस ग्रुप से उन लोगों को सर्वाधिक लाभ होगा जो अपना व्यर्थ का समय व्हाट्सएप ग्रुपों में लगाए हुए। तो आप जो भी मित्र इसमें जुड़ना चाहें वो किसी भी प्रकार की बकवास करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो माँ बहन की गालियां देने के लिए स्वतंत्र हैं, वो रामचंद्र जी और मोहम्मद साहब करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो मोदी और राहुल करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो जैसे भी करें वो स्वतंत्र हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी कर ही रहे हो यार। तो आओ हमें भी पता लगे कि किस प्रकार की बकवासें जगत में चल रही। तो इसलिए पहला ग्रुप ये होगा। दूसरा ग्रुप जो होगा वो दूसरा ग्रुप बौद्धिक चिंतन का ग्रुप होगा। अब बौद्धिक चिंतन किस प्रकार का, असल में क्या है, हमारे मस्तिष्क की जो बनावट है वो किसी एक विषय पे गहनतम चिंतन करने के लिए बनी हुई है। लेकिन वर्तमान युग में जो रील की सभ्यता आई, उस रील की सभ्यता ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया। और ये सभ्यता आई कहां से, आज आपको वो भी बताता हूं। रील की सभ्यता आप ये मत समझना कि लोगों के सहयोग के लिए आई कि छोटी छोटी बात में अपनी बात कह दो, नहीं, रील की सभ्यता आई क्योंकि इन जो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब और फेसबुक, इन पे डाटा कलेक्शन का भंडार हो गया था, इनको डाटा स्टोर करने की दिक्कत होने लगी थी। एक एक वीडियो एक एक दो दो घंटे का ये पसंद नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने कहा क्या करें, तो इन्होंने पब्लिक की पहले आदत लगाई। अब आदत लगाने के बाद अब मालूम है आपको कि हम लोग जैसे वीडियो डालते हैं लंबे लंबे, हम लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है कि वीडियो को बढ़ाने के लिए आप 3 मिनट में दीजिए, इसीलिए हम लोगों के वीडियो को लोगों तक पहुंचने नहीं देते, शॉर्ट को पहुंचने देते हैं। और साथ साथ ये करते हैं कि अगर हम पहुंचाना चाहें तो हमसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप जो है हमें पैसा दीजिए। और इस तरीके से हमारे भारतवर्ष का करोड़ों रुपया जो है, अरबों रुपया, अगर एक हिसाब लगा के मैं बताऊं तो कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हिंदुस्तान से फेसबुक, ट्विटर और इन सारे चैनल्स को जाता है। तो ये मैं एक छोटी सी आपको जानकारी दी, जाता तो बहुत बड़ी संख्या में है लेकिन फिर भी इतना तो कम से कम जाता है। तो कुल मिला के बात ये होगी कि वो चिंतन की जो हमारी प्रक्रिया है मस्तिष्क में उसको बढ़ाने के लिए, वो भी रजनीशपुरम से रिलेटेड, क्योंकि ये रजनीशपुरम ओशो के प्रेमियों के लिए या जो दुनिया में ओशो की देशना को समझते हैं, जीना चाहते हैं, आगे बढ़ने देखना चाहते हैं, जो इस जगत में प्रेम का ध्यान करने वालों का सम्मान चाहते हैं, जो अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ गया है उसकी इज्जत देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जहां पे लोग जो हैं एक दूसरे को जज ना करें, अगर आप ऐसा समाज देखना चाहते हैं तो रजनीशपुरम में ये प्रयोग चल रहा है। यहां कोई व्यक्ति रो रहा है तो कोई इसे जज नहीं कर रहा कि मित्र क्यों रो रहे हो, कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसे जज नहीं कर रहा कि तुम हंस क्यों रहे हो, कोई व्यक्ति किसी के साथ बैठा है प्रेमपूर्ण बातें कर रहा तो कोई जज नहीं कर रहा कि ये चल क्या रहा है। तो इसी प्रकार का अगर आप समाज देखना चाहते हैं और निर्माण करना चाहते हैं तो यहां पे इस ग्रुप में ये होगा कि रजनीशपुरम में चल रही व्यवस्थाओं के संबंध में हम एक छोटा सा, मैं खुद ही उसमें निगाह रखूंगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन डाला करेंगे कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और उसमें आप लोग चिंतन करें, और उस चिंतन के बाद पूरे दिन के चिंतन से हमारी टीम हमें बताएगी कि इस बात पे जो है लोग ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, लोगों के ये अपने तरीके के सुझाव भी उसमें आप दीजिए। तो वो सारे लेने के बाद फाइनली एक कंक्लूजन निकाल के हम रजनीशपुरम की व्यवस्था को और सुंदर बनाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ उस चिंतन में सर्वाधिक अच्छा चिंतन करने वाले को एक खास प्राइज मिलेगा, और वो प्राइज होगा कि वो व्यक्ति 10 दिन के लिए रजनीशपुरम में निशुल्क आ सकता है जो सबसे अच्छा चिंतन किया करेगा। लेकिन वो चिंतन एक बहुत समझदारी के तहत होना चाहिए और वो चिंतन हम तक पहुंच जाएगा, और जो भी लोग इसमें हफ्ते में हम विजेता पाएंगे उनका नाम भी अनाउंस करेंगे कि इस ग्रुप में ये व्यक्ति विजेता हुआ और इसको 10 दिन के लिए रजनीशपुरम में निशुल्क आने का न्योता है, जब चाहे वो उसको यूज कर सकता है, वो उसके लिए ओपन ऑफर होगा।
जरूरी नहीं वो अभी आए, वो जब चाहे आए। तो ये एक उसमें चीज होगी, एक अच्छे चिंतन की तरफ हम बढ़ सकें। तीसरा जो ग्रुप होगा वो होगा रजनीशपुरम सखा लवर्स का। वो ग्रुप में सिर्फ होगा ये, वो एडमिन कंट्रोल में होगा, उसमें कोई भी किसी को भी कुछ कहने की इजाजत नहीं होगी। और उसमें मैं दिन भर में बहुत बार मेरे पास बहुत से विचार आते हैं, बहुत से आइडियाज आते हैं, बिजनेस आइडियाज भी आते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे मेडिकल साइंस के आइडियाज आते हैं। और मैं चाहता हूं कि उन आइडियाज पे काम करने वाले लोग मिलें, मैं चाहता हूं कि वो आइडियाज दुनिया तक पहुंचें। लेकिन अगर मैं इसको YouTube और सब पे डालता हूं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब हम उस पे क्या करेंगे, दिन में 3-4 बार मेरे अंदर कोई गीत उठा, कोई बढ़िया सा गीत आया उसके संबंध में उठा, कभी कोई अच्छा दर्शन आया, कभी कभी ध्यान को लेके कोई बात आई, अच्छी बुरी व्यवस्थागत कोई बात आई, समाज में कुछ वर्तमान टॉपिक पे कुछ चल रहा है बात आई, तो हम उस पे 3-4 बार डाल दिया करेंगे। वो आप सुन सकते हैं और उस सबको जो है आप अपने तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है उस ग्रुप में होगा, और उस ग्रुप में जो है लोग बहुत शांतिपूर्वक जो रहने वाले लोग हैं, जो सुनने समझने वाले लोग हैं, वो उसमें शामिल हो सकते हैं, स्त्री पुरुष जो भी सब शामिल हो सकते हैं, वरना कई बार स्त्रियों को छुपना पड़ता है। चौथा ग्रुप, चौथे ग्रुप को बताने से पहले मैं एक बात पहले बता देना चाहता हूं, तब चौथे ग्रुप की चिंतन करूंगा। वो चिंतन ये है कि तीन जो ग्रुप बनेंगे, इसमें तीनों ग्रुप में से कोई भी व्यक्ति दो ग्रुपों में शामिल नहीं हो। अगर वो दो ग्रुपों में शामिल होता है, ऐसा प्रयास करता है, तो उसे एक बार इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि भाई आप दो ग्रुपों में से एक ग्रुप चूज कर लीजिए, या तीन में से आप तीन कर लिए तो एक ग्रुप चूज कर लीजिए, उसमें चले जाइए, अन्यथा आपको तीनों ग्रुप से डिलीट कर दिया जाएगा। हमें कोई भीड़ की जरूरत नहीं, हमें समझदारों की जरूरत है। तो ये भी एक उसमें नियम होगा, और इसके लिए बाकायदा हमारी टीम जो है निगाह रखेगी कि कोई व्यक्ति दो ग्रुपों में ना हो। और किसी भी उधर ग्रुप की बात दूसरे ग्रुप में चिंतन के रूप में अगर होती दिखेगी और उसमें भी कोई बकवास के तरीके से उसको शामिल करेगा, जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो उस नंबर को ब्लॉक करने के साथ साथ उस नंबर को अगर कोई गलत बात करता है तो कंप्लेंट भी कराएंगे हम पुलिस की, और साथ ही साथ उस नंबर को हम उन सारे लोगों को देंगे जो सुबह से शाम तक उसके नंबर पर कॉल कर करके उसको परेशान करके उसका नंबर बंद करवा देंगे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सखा के घर में बहुत समझ के प्रवेश करना। जो बदतमीजियां जगत में करते हो वो मेरे यहां नहीं चलती, हमारे बहुत डिसेंसी है, हम बोल्ड हैं, बदतमीज नहीं। बोल्डनेस हमारा स्वभाव है, बदतमीजी से हम बहुत दूर। तो ये जो है तीन ग्रुपों के लिए नियम है। अब आते हैं चौथे ग्रुप की बात, चौथा ग्रुप क्यों बनाया जा रहा है। चौथा ग्रुप होगा सखा वॉलेंटियर का। अब वॉलेंटियर का क्या है, वॉलेंटियर की जरूरत क्यों है? तो देखो मित्रों, आप सदा से जानते हैं कि इस जगत में कोई भी काम करना बहुत आसान नहीं होता। एक अच्छा विचार होता है और 10 उसमें नकारात्मक विचार करने वाले लोग आ जाते हैं। एक आप अच्छा काम करते हैं और 10 लोग अड़ंगा लगाने आ जाते हैं। एक तरफ बहुत से लोग चाहते हैं कि यहाँ निःशुल्क की व्यवस्था हो, दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि सखा अपने वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाएं, जिसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपको पता होगा एक आचार्य प्रशांत जैसे व्यक्ति हैं, वो तो साफ कहते हैं कि हमें पैसा दीजिए, हमें अपने वीडियो को बूस्टिंग पे लगाना है। और वो ना लोगों से करोड़ों रुपया लेके अभी तक बूस्टिंग पे लगा चुके हैं। उनकी फैन फॉलोइंग बूस्टिंग की फैन फॉलोइंग। अगर मैं ये लालची होता कि सिर्फ मुझे फैन फॉलोइंग ज्यादा चाहिए, नंबर साफ ज्यादा चाहिए, तो जहां आज रजनीशपुरम में मैंने इतना पैसा लगाया है, मैं 1 करोड़ रुपए का खर्चा करके दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में शामिल हो चुका होता। लेकिन वो मेरा काम नहीं, मेरा काम है यथार्थ से उठना। मैं जमीनी आदमी हूं, मैं जड़ में अपने उतना गहरा जा रहा हूं जितना कि ऊपर। और इसके प्रयोग के लिए मैं चैलेंज करता हूं ऐसे लोगों को कि वो लोग अगर 100 लोग ऐसे इकट्ठे करके दिखा दे जो उनके लिए जो है जान देने को राजी हो, लेने को नहीं, लेने को तो बहुत राजी हो जाते हैं, जान देने को राजी हो तो बात कर लें। और मैं कह रहा हूं कि मेरी आवाज पे जितने लोग इस तरीके के लिए तैयार हो जाएंगे, उतने लोग औरों के लिए नहीं तैयार होंगे। इसके प्रमाण हम बहुत जगह दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ये जो वॉलेंटियर्स का ग्रुप होगा, पहली बात तो इसमें केवल और केवल वो लोग शामिल हो सकते हैं
जो बौद्धिक वाले ग्रुप में है और एडमिन कंट्रोल वाले ग्रुप में है, यानी कि सखा लवर वाले ग्रुप में है, जो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का ग्रुप है, उसके समझदार लोग इस वॉलेंटियर वाले उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन शामिल होने की एक शर्त होगी कि उन्हें सखा से अब प्रश्न करने का अधिकार नहीं कि सखा आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ये वही लोग वॉलेंटियर बने जो अब विवाद से बच गए हैं, विवाद से आगे चले गए, जिनके अंदर अब ये संदेह नहीं है कि सखा ने ये काम क्यों किया, सखा ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, सखा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, सखा आपको वैसा नहीं कहना चाहिए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो वॉलेंटियर 100 हों, 150 हों, 200 हों, मुझे कोई वो नहीं लिमिट की, लेकिन उन वॉलेंटियर्स को जो वॉलेंटियर का ग्रुप बनेगा उनका हम उपयोग करेंगे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों तक विचार को पहुंचाने के लिए। और वो कैसे होगा उसके लिए हम उनको बीच बीच में उस ग्रुप में आके बताते रहेंगे, और वो ग्रुप भी एडमिन के तरीके से ही चलेगा, यानी कि सिर्फ उसमें विचार डाला जाएगा, पूरी बात डाली जाएगी और उस बात को कैसा रिएक्ट करना है वो डाला जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि फिर हम तो अपनी बात कह रहे हैं, आपकी हम तक कुछ बातें होंगी सुझाव के रूप में नहीं पहुंच पाएंगी, तो उसके लिए भी बीच बीच में हम एक नंबर जारी किया करेंगे जहां पे आप पर्सनली मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, और वो सारे मैसेज हम तक पहुंचेंगे और फिर हम उस पर अगर कुछ लगेगा तब्दीली करने का तो हम करेंगे। तो ये तो दोस्तों रहा रजनीशपुरम का एक ऐसा प्लान जिससे निश्चित ही जो आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें चेंजेस आएगा, और ये विचार जो पहली बार यहाँ शुरू किया जा रहा है मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग इसको शुरू करेंगे। समय समय पे अगर ग्रुपों की संख्या फुल हो जाएगी उसमें, जो कि बहुत जल्दी होगी मुझे पता है, तो उसमें हम दूसरे ग्रुपों का उसका पार्ट 2 पार्ट 3 करके निर्माण कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें लगेगा तो हम जल्दी ही इसके लिए ऐप भी एक लॉन्च करवा सकते हैं जिसमें हम आपको पूरी तरीके से शामिल होंगे। तो ये रही सारी व्यवस्था, मुझे उम्मीद है कि आप सब सही से समझे होंगे, और जो सही से समझे ना हो उन्हें जुड़ने की जरूरत नहीं है, वो पहले अपनी समझ का विस्तार करें, जिसके लिए वो ये वीडियो 2 बार 4 बार 6 बार देख सकते हैं। ये वीडियो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे उपलब्ध रहेगा और वहाँ के लिंक जो हैं आपके ग्रुप में डाले जाएंगे जिसके माध्यम से आप इसकी सूचना पा सकते हैं, और साथ ही साथ उन चारों ग्रुप के नाम के साथ उसके लिंक दिए जाएंगे नीचे जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। तो ये था तरीका मेरे काम करने का, और आपको सखा के जीवन के बारे में जैसे सब जानते हैं कि हमेशा से खुला जीवन है, विवादित जीवन है, वही रूप आपको बिल्कुल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सखा के दिमाग के वो प्लान भी जिसके माध्यम से सखा अभी तक आगे बढ़े। प्रणाम।